कैरियर पॉइंट विश्वविद्यालय में विज्ञान दर्शन प्रोग्राम का शुभारंभ सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया। इस अवसर पर कमलेश कुमारी विधायक भोरंज राजेंद्र कुमार गर्ग विधायक घुमारवीं भी उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के एस वर्मा ने आए हुए गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान दर्शन कार्यक्रम 9वीं भारतीय युवा विज्ञान कांग्रेस का हिस्सा है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को पूरा करना है। इस विज्ञान दर्शन प्रोग्राम में विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए इन मॉडलों को सांसद अनुराग ठाकुर ने सराहा तथा कहा कि इस आधुनिक मॉडल को बड़े स्तर पर बनाकर गांवों तक लाया जाए, जिससे गांव वालों व किसानों को फायदा हो। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 9वीं भारतीय युवा विज्ञान कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा था कि एक वैज्ञानिक प्रतिवर्ष कक्षा 10वीं से 12वीं के 100 विद्यार्थियों के साथ 100 घंटे विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए समर्पित करे। अनुराग ठाकुर ने कैरियर पॉइंट विश्वविद्यालय को जर्मनी के विश्वविद्यालयों के साथ शोध एवं शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग के लिए MOU साइन करने का भी प्रस्ताव दिया। विज्ञान में परिणाम तब देखने को मिलेगा जब हमारे प्रोजेक्ट किसान आम बाजार तक पहुंच सकें तथा ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत गांवों से की जा सकती है। इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर ने अपनी घोषणा की कि कैरियर पॉइंट विश्वविद्यालय में शूटिंग रेंज एवं जिम की दिसंबर तक स्थापना की जाएगी। राजेंद्र गर्ग ने रिसर्च छायाचित्रों की सराहना करते हुए कहा कि हमें जीवन में चुनौतियों को विज्ञान के माध्यम से हल करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है कि हर क्षेत्र से, हर स्कूल से, कॉलेज से 10-10 विद्यार्थी जो है विज्ञान के साथ जुड़े और अपनी जो हमारे देश की जो समाज की जो समस्याएं हैं उनको लेकर कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आगे बढ़े, उसी के अनुरूप आज यहाँ करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में जो यहाँ के छात्रों ने और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के छात्रों ने यहाँ विभिन्न प्रकार की जो मॉडल्स यहाँ कर लाए हैं, यहाँ तैयार किए हैं, दिखाए हैं, बहुत ही सराहनीय है। और मुझे विश्वास है कि इस कार्यवाही से जो है यहाँ के जो छात्र इसमें इन्वॉल्व हुए हैं उनको आगे बढ़ने की भी प्रेरणा मिलेगी और जो मॉडल्स इन्होंने यहाँ की समस्याओं को लेकर बनाए हैं उससे हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को, किसानों को उसका लाभ मिलेगा। और इसी क्रम में आगे हमारी जो भावी पीढ़ी है वो विज्ञान के प्रति जो है विज्ञान का लाभ ज्यादा से ज्यादा समाज को मिले इसके लिए वो उत्साहित होगी। इस अवसर पर कुलाधिपति प्रोफेसर PL गौतम ने कहा कि शिक्षा शोध एवं जीवन में निरंतर बढ़ती रहती है, जिससे हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना सहयोग दे सकते हैं। विज्ञान की महानता एवं समाज कल्याण के लिए चेतराम ठाकुर शोध संस्थान नेरी को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिक, जिला समन्वयक अश्विनी चंब्याल, स्कूलों के छात्र, प्राध्यापक, ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, प्रधान एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। विज्ञान दर्शन जो आज प्रोग्राम करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में किया गया, ये हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9th यूथ साइंस कांग्रेस में एक मैसेज दिया था कि जो लीडिंग साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स हैं वो अपने कार्यक्रम में 100 घंटे निकालें और जो हमारे रूरल एरियाज में स्कूल्स में 10वीं, 11वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनको विज्ञान के विभिन्न पहलुओं में अवगत करवाएं ताकि वो अपना कैरियर विज्ञान में चुन सकें, इनोवेटर्स बन सकें। तो आज इसका लॉन्च करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी ने किया, जिसके मुख्य अतिथि हमारे श्री अनुराग ठाकुर जी, मेंबर पार्लियामेंट हमीरपुर कंस्टिट्यूएंसी रहे, और इनके साथ हमारे अलग अलग स्कूलों के बच्चे, हमारे घुमारवीं कंस्टिट्यूएंसी के मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली श्री राजेंद्र गर्ग जी, कमलेश जी हमारे जो यहाँ लोकल MLA हैं वो सभी रहे। इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना के जो रूरल एरिया के जो स्कूल हैं वहाँ पे हमारे विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो साल में 100 घंटे अपने कार्यक्रम से लगाएंगे और हर हफ्ते 2.5 घंटे वो उन बच्चों के साथ बैठ करके उनको विज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बारे में अवगत कराएंगे ताकि वो अपनी आकांक्षाओं को, अपनी उम्मीदों को विज्ञान में पूरा कर सकें। यही आज हमारा का प्रोग्राम था। प्रोग्राम है वो इतना अच्छी तरह से हमने इसको बना के रखा है, ये 2 फेजेस में है। पहले फेजेस में हम स्कूलों के साथ जुड़ के
उनसे पहले ही हमने मुख्याध्यापकों से, स्कूल के जो मुख्याध्यापक हैं उनसे परमिशन लेके उनके साथ जुड़ के किसी भी दिन वो एक घंटा निकालेंगे अपने बच्चों के लिए और हमारे प्राध्यापक यहाँ से जाएंगे, उनको सिखाएंगे अलग अलग पहलुओं के, विज्ञान के पहलुओं के बारे में। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि सभी प्राध्यापक भी तैयार हैं, स्कूल भी तैयार हैं और हिमाचल सरकार की तरफ से भी इस पे पूरा सहयोग है कि वो इन बच्चों को जाके विज्ञान के बारे में सिखाएं ताकि वो अपना भविष्य विज्ञान में बना सकें और इस देश को और इस प्रदेश को एक इनोवेटिव जो यूथ है हमारा बन सके, स्किल इंडिया बन सके और आदरणीय प्रधानमंत्री का जो सपना है हमारे बच्चों को विज्ञान की तरफ से तरक्की करना एंड टू एम्पावर देम विद द साइंस एंड कनेक्ट द स्टूडेंट्स विद द साइंस, उसको हम पूरा कर सकेंगे।